another day guys and welcome back channel this is Dhruv Rawal and a very good morning so it's the humble beginning of the week and what shall we say about the things happening so bahut lamba weekend tha and I don't actually do like such kind of weekends but the good thing about this week is pura mera hectic schedule rehta hai and I love hectic kind of schedules because that's what I want right in my life and this is my amazing outfit looks nice right so I do have to visit my director and dean Bodhi sir right now that's why I'm here early thoda kaam tha kuch acha hi kaam hai so jaate hain I'll just head towards D block and what I had to do next is I don't know anything let's go let's see you can't predict anything in life right everything is unpredictable so why to stress over anything right that's my philosophy soon I don't want to be philanthropist but philanthropist okay chalte hain D block It feels very good when you meet someone who is like 3 saal purana bichhda yaar something like that he's not my friend but I met Dr. Nilesh Goel Professor Nilesh Goel Nilesh sir he used to teach us in semester 3-4 I guess and he was so happy seeing me as again joined over here and वो बोले कि इतने टाइम तक हम मिले नहीं तो आराम से बैठे उनके सारा क्या चल रहा है उनका प्रोटोटाइप बिजनेस प्रोटोटाइप अभी लॉन्च कर रहे तो उसके बारे में सब डिस्कस किया एंड इट वाज लाइक फन मतलब सर असली मज़े लाइफ में आप कर रहे हो क्योंकि एट द एंड यू मस्ट टेक दी 100% आउट ऑफ योर लाइफ इफ़ यू डोंट जस्ट रिस्पेक्ट दैट देन कोई मतलब ही नहीं उसका एंड आई एम जस्ट गोइंग टू द डायरेक्टर जनरल सर्विस ऑफिस थोड़ा काम है एंड उसके बाद मैं प्रॉपर ब्लॉक करता हूँ आज का हमारे जैसे बरसात के प्रेमी भीगते नहीं और ये महोदय पता नहीं कैसे इतना भीग रहे हैं बादलों में जा रहे हैं क्या भाई क्या करूं बाप पायलट है ना तो फिर तो कैनोपी खोल के थोड़ी उड़ते हो तुम लोग एंड गाइस ऐसी बारिश ही तो हमें पसंद है तनय जी जो बोलते हैं कि छाता निकालू एंड आई एम लाइक नो आई डोंट नीड अ अम्ब्रेला एंड थोड़ा तो मेरा सीन चल रहा था कि तनय सर का मैं कॉल उठा नहीं पाया बहुत गुस्सा ही है बट मेरा भी मजबूरी है ठीक है समझो एंड मेरा भी तेजस सर का लेक्चर है इसलिए पहले तो उधर ही जाते हैं जूते भिगाए बिना अदरवाइज सूखते नहीं है यार बहुत बुरा सीन होता है बारिश का टाइम चले अंदर जाने के बाद तो और मॉइस्चर भर जाता है आई थॉट कि यहाँ पे मैं पिक्चर्स या वीडियो के लिए एंटर करूँगा बट नो नॉट एट ऑल क्योंकि पूरा कीचड़ मतलब आधा आधा एक एक फीट तक भरा हुआ है एंड आई डोंट वॉन्ट कि मेरे जूते पैर सॉक्स एंकल नी सब पूरा कीचड़ में हो जाए आई डोंट वॉन्ट दैट सो गाइस एक घंटे के लेक्चर कभी कभार इतने लाइट होते हैं ना क्योंकि टू स्टार्ट एंड वन आवर लेक्चर उनको लग जाते 10 से 15 मिनट एंड अटेंडेंस में चले जाते हैं 5 से 10 मिनट सो नाउ एक्सपेक्ट कि कितना लेंथ होगा होगा लेक्चर का बट बैठना क्लास में ही है एंड आई एम डन विद द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप लेक्चर एंड व्हाट शैल आई से अबाउट द डे ये ग्रीन्स है ना जस्टिफाई करता है मेरा फ़ोन बाकी कोई फ़ोन नहीं कर सकता इसको जस्टिफाई जितना मेरा फ़ोन ये कर रहा है एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम अब आई हैव डिसाइडेड टू रोम अराउंड द कैंपस थोड़ा एक वॉक ले लेते हैं थोड़ा शूट कर लेते हैं एंड विल कैच शौर्य उसके बाद में रास्ता है कह रहा अब मुझसे मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे ओ, 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 ओ,
से मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही जीवन गाड़ी है। Because I feel like why do even we have lectures at F-Lock? इतना दूर तक चल के आना पड़ता है एंड देर इज ऑलवेज लाइक कभी ये वाला रास्ता बंद कर दिया, कभी ई ब्लॉक से बंद कर दिया, कभी ई ब्लॉक ग्राउंड से बंद कर दिया एंड एवरी डे देर इज एन हसल फॉर द थिंग एंड विदाउट हसल ध्रुव को तो मजा आता ही नहीं है। सो आई डू हैव टू गो टू 101 वो सामने दिख रहा एंड आई विल कैच यू गाइस आफ्टर द लेक्चर। मेरे को लेट नहीं होना एटलीस्ट चेतन्य सर की क्लास में। इज इट टाइम टू गेट एग्जॉस्टेड? मैं बट स्टिल एग्जॉस्टेड नहीं हूँ SCM के न्यूमेरिकल्स करने के बाद एंड इट्स 6 इन द इवनिंग एंड कितना अच्छा परफेक्ट टाइम है जब सनसेट हो रहा है बट लाइट नहीं गई टू गेट गुड क्लिप्स ओवर हियर। आई लीव फ्रॉम मेन गेट, मैं F-Lock से जा सकता हूँ बट रास्ता बहुत ख़राब है, जूते गंदे हो जाते हैं एंड फॉर मी माई आउटफिट माई शूज़ आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट एग्जैक्टली राइट। सो बहुत एकदम टेक्निकल तो था बट अभी तक तो मैनेजेबल है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर आगे से गाइस। बस अभी आदित्य पटेल को सी ऑफ करके आया एंड लाइक आई डिडंट मेंशन और स्पेसिफाई दिस इन द व्लॉग दैट आदित्य का आज बर्थडे था एंड वाज लाइक मेरे 2 घंटे का ब्रेक था उसमें आधा घंटा शायद कुछ बाकी था एंड लाइक ब्रो मेरा बर्थडे। मैंने बोला सीरियसली डूड पहले तो बता के रखे, हाउ वुड आई गेट टू नो अबाउट इट एंड दैट वाज अ फन डे। चटा तो निकल गया था उसका, थोड़ा डैड आ रहे आज तो एयरपोर्ट पे वगैरह जाना है और पिकअप करने के लिए एंड व्हाट शैल आई से, आज का दिन मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग नहीं था बट थोड़ा थोड़ा लाइटली सा एकदम वो था जो मुझे थका देता है काइंड ऑफ दैट एंड खांसी, आई एम इरिटेटेड बिकॉज ऑफ दैट। आई वाज लाइक दिस थिंग हैपेंड कि डेजर्टेशन का इतना ज़्यादा भी लोड चालू होने वाला है, दे हैव गिवन डेडिकेटेड स्लॉट्स फॉर डेजर्टेशन। नाउ यू जस्ट इमेजिन कि 2 घंटे के लेक्चर्स, ऑलमोस्ट 6 घंटे के लेक्चर्स हफ्ते में ऐड हो जाएंगे शायद डेजर्टेशन के लिए, नो आइडिया अबाउट इट अभी तो क्लियरली बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट एंड आई एम डन विद द डे गाइज एंड लेट मी कंक्लूड द व्लॉग स्टार्टिंग दैट Merci for Abhiyanto guys, see you the next day and next day is gonna be Tuesday, so long day ahead and what shall I say? I shall say nothing. Kal DG sir se milna hai, to I have been asked to visit him tomorrow in the second half. Baki director Dean sir se to dono se mil diya, old director Dean se bhi milna baki hai, to kal bhi bahut sara kaam to hai mujhe.